दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। अब कर्ण को ना केवल उनके पराक्रम बल्कि उनकी दानवीर होने के कारण भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानवीर नहीं था। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें सबसे बड़ा दानी मानते थे। लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। जब कर्ण की मृत्यु के समय दो लोग उनके पास गए, वो थे कृष्ण और द्रौपदी। अब भगवान ने उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान भी दिया। लेकिन आखिर समय द्रौपदी ने कर्ण को क्या दिया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीरता के लिए याद किया जाएगा। और इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वह सबसे बड़ा दानी कैसे हो सकता है। अब इस बात को साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में पहुंचे और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे आने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर कुछ मांगना नहीं चाहता, क्योंकि आप इस हाल में क्या दे सकेंगे। अब ये बात सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने का दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। और अब इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। कर्ण ने पहले वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उनके वर के लोगों का कल्याण करने को कहा। वहीं दूसरे वरदान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को कहा। और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो, ऐसा कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया। वहीं इसी बीच जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, तो वो दुख से मूर्छित हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब द्रौपदी को होश आया, तो वो दौड़ते हुए कर्ण के शव के पास आ गई और फूट फूट कर विलाप करने लगी। अब इसके बाद कर्ण से उसके साथ किए गए अपमान के लिए उसने माफ़ी मांगी। उसने बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने कहा कि मुझे स्वयंवर में कर्ण जैसे योद्धा का अपमान नहीं करना चाहिए था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।